जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन धन सब अर्पण होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मेरे मन के मंदिर में मैं तुमको बिठाऊंगा, मेरे मन के मंदिर में मैं तुमको बिठाऊंगा। भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा, अश्वन की धारा से अचवन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना, तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना। मेरे गुरुदेव मुझे कभी ना भुलाना, जान तेरा जब निस दिन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जैसा भी कहोगे गुरु जी वैसा ही मंजूर है, जैसा भी कहोगे गुरु जी वैसा ही मंजूर है। दृष्टि दया की मेरे पर भरपूर है, तेरी कृपा से मन दर्पण होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा वन होगा। आत्मा परमात्मा है इसे न भुलाना, आत्मा परमात्मा है इसे न भुलाना। ख्वाब है शरीर इसे मोह न लगाना, ख्वाब है शरीर इसे मोह न लगाना। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोले सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा प्यारे बच्चों, इस मासिक कार्यक्रम में आप सब भाग लिए और संतों के द्वारा बहुत ही सुंदर ज्ञान विचार श्रवण कर रहे हैं। जीवन सुधार के लिए, जीवन को गढ़ने के लिए औजार दिए जाते हैं। संतों के सुनाने से, सुन लेने से जीवन गढ़ नहीं जाता है, यहाँ केवल ये औजार हैं। आप इन औजारों को लेकर के, सामानों को लेकर के अपने जीवन को गढ़ना आरंभ करेंगे तब ये जीवन सुंदर बनेगा। संत तो यही करते हैं।
प्रश्न होता है कि संतों से हमें क्या मिलता है, क्या देते हैं संत जन। मैं विचार कर रहा था कि सार्वजनिक रूप से विचार कर रहा था कि संसार में चार तरह की मांगते होते हैं, मांगना मांगते हैं। भिखारी भिक्षा मांगता है, और नेता वोट मांगता है, वैश्या नोट मांगती है। अब साधु क्या मांगता है? वो खोट मांगता है, माने खोट माने बुराई, कमी। आपके अंदर जो खोटाई है, बुराई है, कमी है, दुख पीड़ा, कमी, दुर्गुण, विकार, इसे संत मांगते हैं। अब कौन बड़ा मांगता है ये भी देखना है। भिखारी का तो भाई थोड़ा सा दही दिन जाते हो फुर्सत, और नोट वोट मांगने आया वो हाथ गोल जोरिस कोई नेता, कहीं जाओ नेता जी ठीक है, समय आवा तो चुपके से दे दही नोट और दस्तक कर दहीन, नाम कर दहीन, मिल गया उसे भी। और वैश्या को नोट मिल गई, बस खुश हो गया और अपना उसी में निर्वाह कर लिया, बिक गई उसी में। और संत तो बुराई लेते हैं, लेकिन गजब के बड़े कंजूस लोग हैं यहाँ संसार में, कोई बुराई देने के लिए राजी नहीं। और नाम ले लें कि भैया आप में ये वाली बहुत ज़्यादा बुराई है, तो डंडा लेकर के दौड़ाएंगे। मुझे कहते हो मेरे में ये बुराई है, तो क्या दोगे? जब बुराई देने के लिए राजी नहीं हो तो क्या दोगे? और जो दोगे वो क्या कीमत रखती है आपका, उससे क्या बदलेगा? तो सबसे बड़ा मांगने वाला तो संत है, लेकिन मांगते नहीं हैं, दे देते हैं। आप ये त्याग करके देखिए तो उनकी बातों में थोड़ा त्याग कीजिए। तो औरों को हम छोड़ देते हैं, उनकी व्याख्या नहीं करेंगे, संत की व्याख्या आप करना पड़ेगा। क्योंकि प्रश्न तो यही है कि संतों से क्या मिलता है, क्या कारण है, और लेते क्या हैं, देते क्या हैं? संत क्या लेते हैं और क्या देते हैं? देखा जाए तो संत कह देते हैं कि दे दीजिए बुराई, लेकिन कुछ लेते होते नहीं हैं। काहे को बुराई लेंगे आपकी? एक तो अपनी ही बुराई दूर करने में पूरी जिंदगी लगा दिए हैं, और घर द्वार छोड़ करके, दुनिया को छोड़ करके गुरु शरण में आए हैं, काहे को बुराई लेंगे आपकी? लेकिन एक लहजा है कि बुराई दीजिए ना, दीजिए मतलब उसको त्याग कीजिए। आप अपनी कमी को, खोटाई को त्याग कर देंगे तो आपका भला हो जाएगा। संत वही देते हैं जिसको पा करके मनुष्य मनुष्य हो जाता है, उसकी जिंदगी नरक से स्वर्ग की तरफ बढ़ जाती है, शैतानियत से इंसानियत आदमी बढ़ जाता है इंसानियत की ओर, राक्षसी परंपरा से मानो दैवत्व की ओर बढ़ जाता है, भगवत जीवन हो जाता है। इस तरह से ये संत दे करके महान उपकार करते हैं। लोग सोचते हैं संतों से क्या मिलता है, उनकी नजरों में यही लगता है कि जो हमने कुछ दे दिया, कुछ कपड़ों के टुकड़े दे दिए, कुछ वस्तुओं के टुकड़े दे दिए, कुछ कागज के टुकड़े दे दिए, और कुछ फल फ्रूट खाने पीने पेट भरने के लिए दे दिए, तो यही से तो उनका जीवन चलता है, हम ना हो तो भूखे मर जाएंगे, नंगे रह जाएंगे। ये भाव मन में कभी हमको बढ़ने नहीं देता है। और जो संत देते हैं वो कुछ ख्याल ही नहीं आता, पता है ही नहीं इनसे, कुछ होश हवास ना होने से, विचार ना होने से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। बंधुओं, संत हमें जो कुछ देते हैं, जग में संत गुरु ना होते भारत चला जात पाताल, यदि वे संत गुरु ना होते,
साधु विरक्ष सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार, जग में होते संत नहीं तो जरि मरता संसार। जैसे वृक्ष होते हैं फल देते हैं, कोई भी वृक्ष अपने फल को खाता नहीं है। अरे भाई, ये सारी वनस्पतियां मानो हम सबके लिए फलती फूलती हैं, इतना अब ऐसा उपकार समझ करके किसी वृक्ष के जाकर हाथ जोड़ के खड़े ना हो जाओ कि महाराज तुम्हारा बड़ा उपकार है। वो जड़ हैं, पौधे जड़ हैं, सूरज चंद्रमा ये पृथ्वी धरती आकाश पताल ये सब जड़ प्रकृति है, इसको हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता है। आपने अपने भावों का दुरुपयोग किया, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, अपने दिल दिमाग का दुरुपयोग किया, ये विकलांगता जाहिर हो जाएगी अगर वहां हाथ जोड़ेंगे तो। इतनी शक्ति अपने पास है, उसको ऐसी जगह लगाना है? नहीं, हम नए यहाँ जीते जागते मनुष्यों के बीच में, प्राणियों के बीच में अपनी बुद्धि का दिल का उपयोग करना है, ये विनम्रता जाहिर करनी है, सद्गुणों का उपयोग करना है, दया करनी है। तो ये सद्गुरु कबीर का विचार हमें इसीलिए जगाता है, इन्हीं सब बातों के माध्यम से जगाता है कि जागो और अपनी आँखें खोलो। तो हम इस पर विचार, ये वैज्ञानिक चिंतन है। विज्ञान हमें कहता है आओ इसका पता लगाएं, वो पहले एक हेडिंग देता है विज्ञान कि आओ इसका पता लगाएं। किसका पता लगाएं? अब उनका एक विषय होता है, छोटा छोटा विषय, तत्वों के कणों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं आओ अब इसको हम पता लगाएं, इसमें कितने भाग हैं, कैसे कैसे ये तत्व बना, तो उसको पता लगाते हैं। जड़ तत्वों के रहस्यों को विज्ञान पता लगाता है, कौन? भौतिक विज्ञान, उसके रहस्य को जान लेता है। आत्मिक तत्वों के रहस्य को आध्यात्मिक जो विज्ञान है वो संत लगाते हैं। आत्मा के रहस्य को, आत्मा क्या चीज है, शरीर कैसे चलता है, इंद्रियां मन कैसे काम करती हैं, बुद्धि दिमाग कैसे है, इसमें दुर्गुण क्या चीज है, सद्गुण क्या चीज है, इन बातों को जानने के लिए सत्संग है। ये सत्संग का क्लास लेना पड़ता है और फिर इसके लिए कुछ चुंगी जमा करना पड़ता है ना। वो चुंगी है सेवा समर्पण श्रद्धा दान पुण्य, हर्जा खर्चा समय, है ना। समय देखो, आप लोग सुबह सुबह से आए, कोई 10 बजे पहुंचा, कोई 9 बजे पहुंचा, कोई 12 1 बजे पहुंचा, तो कोई 4 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई 5 घंटा समय दे रहे ना। समय कितना कीमती है, अब 8 घंटा समय दे दो ऑफिस में तो उसमें कितना, 300 से लगाकर 30,000 तक तनख्वाह, 30,00,000 तक तनख्वाह मिल जाती है, तो बहुत लंबी कमाई हो जाती है। ये समय बहुत कीमती है, और समय इतना कीमती है कि अगर 3 मिनट देरी हो जाए, 1 मिनट देरी हो जाए और प्राणनाथ निकलने को तैयारी कर लें तो 30 करोड़ देने से भी नहीं लौटेंगे कि लौट आएंगे। अगर लौटत हो तो भाई इंतजाम करो, 3 मिनट क्या, 1 मिनट की भी देरी। सिकंदर यही कर रहा था जब बेबीलोन में बीमार पड़े और वहीं पर समुद्र के किनारे पड़ गए, तो अपने वैद्यों से, बड़े बड़े सुखेन वैद्य इत्यादि रहे, उनका भी कोई नाम था हकीम का, सुखेन वैद्य तो लक्ष्मण के लिए दवा ढूंढ लाए थे, संजीवनी बूटी, लेकिन सिकंदर के लिए भी एक हकीम वैद्य थे, वो भी साथ साथ ये राजा लोग लेकर घूमते थे, कोई असुविधा ना हो सारी दवाइयाँ करते रहें। तो कहता है अरे वैद्य जी, हकीम जी, अब क्या मैं यहीं मर जाऊँगा, अपने माँ का दर्शन भी नहीं कर पाऊँगा, अपने राज तक पहुँच भी नहीं पाऊँगा, उन तिजोरियों को जिनको लूट लूट करके दुनिया को मैं वहाँ भर रहा हूँ, उन तिजोरियों को नहीं देख पाऊँगा क्या? तो बोले हुजूर, इंतजाम में लगा हूँ लेकिन मुझे जीने की कोई आशा नहीं दिख रही है। तब वहाँ पर फिर कुछ वहाँ पर रिश्वत चालू होती है
कि हे वैद्य जी, तुम मुझे बचा लो, अगर मैं 3 महीना भी जिंदा रहूँगा तो कम से कम अपने राज काज में पहुँच करके तुम्हें मैं इतना धन दूंगा। कहे नहीं हो सकता है। कहें अच्छा तो 3 दिन के लिए तो जिला लो। कहें हुजूर 3 दिन भी नहीं जी सकते हैं आप। कहें अच्छा तो 3 मिनट ही जिला लो। कहें 3 मिनट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं लेता हूँ। तो मौत से प्रार्थना करने लगा सिकंदर, हे मौत देवी, तू मुझे 3 मिनट के लिए छोड़ दे, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। मौत को भी दया लगी कि चलो भाई, अब कुछ बताना चाहता है, नई बात है मौत के समय। 3 मिनट उसके लिए समय मानो छूट मिल गई। तो लिखता है कि अय दुनिया वालों, जो महान सिकंदर कहा जाता है, वो अब इतना धन लूटा और दुनिया को परेशान किया अपनी 3 मिनट की जिंदगी बचाने के लिए, और अपना राज काज लगा दिया, तो भी दांव में दांव खाली ही है, नहीं मिलने वाला नहीं है। तुम लोग इसके चक्कर में मत पड़ना। इकट्ठा कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। देखो मैं हाथ खाली करके जा रहा हूँ, और हाथ फैलाया और मर गया। दिखा के गया कि कुछ हाथ में नहीं जाता है, तुम इस चक्कर में मत पड़ना। लेकिन नहीं, सब इस बात को अनदेखी करके हाथ समेट के जाना चाहते हैं, बांध के ले जाना चाहते हैं। यही तो धोखा है। संत इसे समझाते हैं कि भाई, जो जाने वाली चीज है, अच्छे कर्मों के संस्कार समुच्चय फल वो जाने वाले हैं, वही कर्म तो हमें आज और आगे, आगंत और आगत दोनों तरफ मदद करते हैं। लेकिन हम क्या हैं कि बेहोश बैठे रहते हैं। हमारी वैसी दशा मौत करती है, जैसे आप बधिक को तो जानते हैं, देखे होंगे कभी कभी ना, जहाँ बधिक लोग 4-6 बकरी बांध देते हैं, बकरी अथवा मुर्गियों के तो देखे होंगे, बधिक जहाँ होते हैं और वो बिक्री करते हैं लोग, तो वहाँ पर बनाए रहते हैं ठीहा हुआ, सब जाल में भरे रहते हैं जानवरों को, और किनारे एक खूंटे में किसी कहीं बांध देते हैं रस्सी से बकरियों को, उनको पत्तियाँ डाल देते हैं। अब वो पत्तियाँ मस्ती से खाती हैं, मुर्गियों के लिए कुछ दाने शायद पड़े रहते होंगे, उसमें वो कैंपे करते हुए पड़ी रहती हैं, चुंगती हैं। जब एक का काम खत्म हुआ तो दूसरा खींच करके उसको काट दिया जाता है, फिर वही हाल, फिर दूसरे को खींच लाते हैं और फिर वही हाल करके काट पीट करके और मांस बेच दिया जाता है। बकरी को कुछ पता नहीं है कि मेरा नंबर आने वाला है। ऐसे हम सबकी दशा है यहाँ। ये मौत रूपी बधिक एक एक करके सबका गर्दन धड़ से अलग करती है और कब्र में फेंक देती है, लेकिन सब यहाँ बेहोश हैं। यही माया मोह की बाजार में ही लगे रहना, पड़े रहना चाहते हैं। भजन भक्ति की ओर शायद किसी का मन भी हुआ संत गुरुजनों के डांटने से कहने से, तो ऐसा जाल में फंस जाते हैं, धोखे धड़ी, नाना धर्म के ठेके खुले हैं। सदगुरु कबीर की विचारधारा को समझ लें तो सारे धोखेबाजों से बच सकता है आदमी। वो वैज्ञानिक चिंतन है, जैसे विज्ञान हमें पूरे विश्व लेवल पर अपनी बात कहता है, उसकी बात कहीं भी पूरे विश्व में काटी नहीं जाती है। 600 वर्ष हुए सदगुरु कबीर की विचारधारा को, आज तक दुनिया में किसी ने काट नहीं पाया, क्योंकि वो अपने विवेक और विचार के यंत्र में सिद्ध करके, परीक्षण करके पेश किया है, पूरे दुनिया के सामने उन्होंने सिद्ध करके दिया कि इस पर चलोगे तो कल्याण होगा।
वो कोई उल जलूल की बात नहीं बताई कि तुम ऐसा करो तो सतलोक चले जाओगे। अरे सतलोक कहाँ है भाई? सत पर चलने वाले अपने आत्मलोक में पहुंचते हैं, वही है सतलोक। वर्तमान में सख्त लोक में रहो। जो कर्म धर्म अच्छे करके प्रेम से जीवन जीते हैं, सौहार्द से जीते हैं, हंसी खुशी से जिंदगी जीते हैं, निष्पाप जिंदगी जीते हैं, वे सतलोक में हैं। और शरीर छोड़ देने के बाद आत्मज्ञान काम देता है, आत्मस्थिति काम देती है। जीते जी हमने आत्मज्ञान प्राप्त किया संतों के द्वारा, और उस ज्ञान को लेकर हमने स्थिति प्राप्त की साधना करके, और उसी स्थिति में हम रहना आरंभ किए, रह गए उसी में। अब कहाँ जाएंगे? तो यही है सतलोक पाना, सतलोक में स्थित होना। कबीर इस काया रूपी शरीर में जो वीर रहता है, वो कौन है वीर? आत्मा, चेतन वीर, आत्मा वीर उसे कहो। अब और अगर भाषा ही आप कोई घृणा ना हो भाषा से, तो हम उसे कह सकते हैं इसी आत्मा को भगवान सच्चिदानंद, भगवान परमात्मा और प्रभु अल्लाह, ईसा, ईश्वर, राम, कृष्ण, उसी को सब कहते हैं। तो भाषा भूसी में बहुत घबराना नहीं चाहिए। सद्गुरु कबीर इन सारी भाषाओं को लेकर के एक अपना अर्थ देते हैं। जैसे एक उदाहरण से मनोरंजक उदाहरण कभी कभी कुछ लाभ देता है। कहा जाता है लक्ष्मी और विष्णु भगवान चले जाते रहें, तो एक जगह कुछ अनाड़ी देहाती बूढ़े लोग बैठ करके, जवान रहे अभी 65 साल के, लेकिन बहुत गरीब आदमी एक पेड़ के नीचे बैठ जपत रहें। तो एक ठो कहे लाम लाम लाम, एक कहे करील करील करील, तो ये कहे सगल सुना, राम सुना है और कृष्ण सुना है, करीम सुना है, लेकिन ये करील करील नहीं सुना है। तो प्रभुनाथ ये क्या जपत है? कोनो नया भगवान आएगा का कहे? अरे चलो दुनिया के झंझट में ना पड़ो। कहे नहीं, तो देखो साधु कहट, बालक कहट, औरत कहट, ये बहुत विचित्र होते हैं। इनके हठमा पड़ जाइ हो तो पार न पाई हो तुम। ये देवियाँ, ये दुर्गा हैं, इनके कई ठो हाथ होते हैं। तो देखा दुई ठो हैं लेकिन कई हाथ हैं, मतलब ये परिवार भी संभाल लेती हैं, अपने पति को भी संभाल लेती हैं, अतिथियों को संभाल लेती हैं, साधु महात्माओं को संभाल लेती हैं, और गृहस्थी संभालती ही हैं, और अपने को भी संभालती हैं। नहीं, ना संभाले ना तो ना घर परिवार सुधर सकता है, ना समाज सुधर सकता है। इसीलिए ये दुर्गा हैं, बहादुर हैं। तो लक्ष्मी जी वहाँ पर हट कर लिए, नहीं बताना ही पड़ेगा, ये आज हमको संदेह है कि कौनो दूसर पैदा होएगा है भगवान। तो कहाँ जाओ पता लगाया, और तुम्हारे हट के सामने हमार कुछ चले वाली नहीं। तो जब आज्ञा दे दहीन विष्णु जी, तो वहीं बैठ गए। कहा हम सुस्ता रहे हैं, और जाओ पता लगाओ। तो गई, तो दोनों भजन में लगे रहे आँख मूंदे। तो कहाँ भैया किनका जाप करत हो? तो उनको बहुत क्रोध लगा कि हम गांव छोड़ के एकांत माइन भजन करें, अब ये कौन बाधा डाल रहा हमारे भजन में। तो फिर चुपचाप जुबान थोड़ा बंद करके अपने क्रोध को पी रहे थे, क्रोध तो लगा। तो कहें भैया बताओ ना किनका जाप करत हो? तो फिर और अब सह नहीं पा रहे, दोनों अब मसमसा रहे हैं, आँखी निहारें लाल लाल, पता चला कि कोनो औरत ही आए। तो फिर आँखी मूंद लेन,
तो लाल आंखी हो गए उनकर क्रोध में, क्रोध में लाल आंखी हो जाती है, बार तन जाते हैं, त्यूरियाँ चढ़ जाती हैं, दांत किटकिटाते हैं, चेहरा तमतमाता है, बड़ा विचित्र क्रोध है ये, इससे बचना चाहिए। तो अभी तीसरे नंबर पर कहीं भैया बताओ ना हमको देर हो थी, तब जोर से खिसियाए कि दांत पीस के कहाँ तुहार भतार का जपी थी, तब मुंह दाब के भागी विष्णु भगवान कहाँ कस बतावा ना, अरे कहाँ चाहे जौन कहाँ सब हमार भतार मतलब विष्णु जी का ही जपत है। तो लहाय लगे हंसी से इसकी, अच्छा हमरे आदमी में कहे आज जपत है, भतार तो विष्णु जी रहे, तो अब बेचारी अब विष्णु जी कहाँ कस पाए कहाँ, अरे चलो सही आए कहते रहे हो तुम, चाहे जौन नाम ले चाहे करील कहाँ है चाहे करीम कहाँ है वो अपने न कह आए। तो इसलिए चाहे भगवान कहाँ है चाहे अल्लाह कहाँ है चाहे राम कहाँ है वो सब आत्मा का नाम है, इधर उधर बहुत घबराए की जरूरत नहीं है। हाँ जब बुद्धहीनता होती है सत्संग नहीं होता है तो इसी में झगड़े हो जाते हैं, हैं तुमने अल्लाह किया क्या मुस्लिम हो क्या, तो तुमने राम कहा क्या वैष्णव है क्या, राधे राधे कहना चाहिए क्योंकि हम कृष्ण भगवान के उपासक हैं, तो आपस में बड़ा झगड़ा है कि बिना ज्ञान के बिना सम्यक बोध के। अच्छा जब बोध नहीं होता तो हकीकत में लगता है कि रामाय भर भगवान है और कोई नहीं है, वो कहाँ अविद्या में रहते हैं क्योंकि बोध नहीं है, सम्यक बोध आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अब जो बोध देते हैं उनके पास जाते नहीं हैं, उनसे है तो दूरी बनाए रखते हैं, विश्वास नहीं पड़ता है, और सही ज़्यादा अगर उनको समझावे कोशिश करें तो उनको घसीट डालने की कोशिश करते हैं। इसमें फिर एक हो याद आ गया मुझे, एक सियार था, दोनों प्राणी रहते रहे, अब सियारिन की बच्चा आ गया पेट में, कहाँ कुछ इंतजाम करी हो बच्चा पैदा होने वाला है, यानी बिल उल कहीं बनाओगे मांद वांद रहने के लिए, बच्चे कहाँ रहेंगे, कोई जानवर खतरा कर देगा तो सुरक्षित जगह, हाँ 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 घबराओ मत मैं सब इंतजाम कर रहा हूँ, ये सब मेरा काम है, पति था उसका। तो अब समय आ गया, ऐसे लेट लपेट करता रहा, बच्चा हो गए, कहा अरे जल्दी करो कोई जानवर आ जाएगा बच्चों को खा डालेगा, कहीं चलो अच्छा समेट बच्चा का, दुई ठो बच्चा दिस और ले गए, तो आगे एक ठो शेर का बिल रहा है, तो वहीं पहुँचा सियार सियार इन बच्चे सहित, कहीं इसी में रहना है, कहीं अरे तुम मरवा डालोगे सबको, अभी शेर आएगा सबको मार डालेगा, हमारे बच्चे चले जाएंगे और हम तो हमारा जीवन भी चला जाएगा, कहीं नहीं मैं एक दांव बताता हूँ उसको करना है, कहीं देखो मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ अपना भी नाम रखता हूँ बच्चों का भी, बच्चों का नाम जय विजय, तुम्हारा नाम भानुमती रानी, मेरा नाम भानु प्रताप, उस क्षेत्र में भानु प्रताप सभी प्राणियों में फैले थे, एक भय वाला नाम, भानु प्रताप एक ऐसा है वैसा तीर मारते हैं कभी निष्फल नहीं जाता है, प्राण प्राण से आदमी चला जाता है कोई भी प्राणी, तो शेर सुना कि भानु प्रताप हाँ, तो ऐसा कह करके कहीं बस यही कहना है घबराना मत, तो उधर बैठा था दूर एक टीले पर सियार, तो सियारिन अपने बच्चों को थोड़ा चिकोटी काटी झटका दिया खरबोटा, तो बच्चे चिल्लाए, तो सियार कहता है अरे भानुमती ये जय विजय क्यों हल्ला कर रहे हैं क्यों रो रहे हैं, कहें अरे रोए क्यों ना भूखे हैं शेर का मांस खाना चाहते हैं, अब भानु प्रताप तो गए हैं मारने इनके पिता और अभी मार के लाएंगे, बस ऐसा सब साठ गांठ पहले से थी, अब उधर से शेर आ रहा था चर करके घूम करके, सुना आवाज कि अरे आवाज आई भानु प्रताप एकदम थर्रा गया, आ गया इस क्षेत्र में अब तो मार डालेगा, उसका निशाना तो अचूक होता है सहा नहीं जाएगा, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, देखो जय विजय उसके दो बच्चे भी वो भी बड़े बहादुर हैं वो विजय प्राप्त करते हैं, और भानुमती रानी ही बोली है और ये भानु प्रताप की आवाज़ है, और डर के मारे कांप गया और लौट पड़ा, इतने में पेड़ पर बंदर सब वहीं देख रहा था तमाशा, उतरा दौड़ के गया शेर को पकड़ा,
कहें क्या आप तमाशा कर रहे हैं, आप हमारे जंगल के राजा हैं और डरपोक बन के भागे जा रहे हैं, ये झूठ है, सियार है। कहें नहीं नहीं अपने कानों में सुना हूँ, भानु प्रताप जय विजय आए हैं और यहाँ मैं नहीं जाऊँगा। मरवा डालोगे क्या? एकदम भय में तो शेर का, शेर को भ्रम हो गया। तो बंधुओं, भ्रम में इतना बहादुर जानवर, हम सबको भी भ्रम है, मानव जाति को भ्रम हो गया है कि ईश्वर परमात्मा कहीं बाहर है। तो यहाँ भी शेर को भ्रम हुआ, लौटा। दूसरे दिन प्रयास करके गया शेर, बंदर बहुत समझाया कि चलो अपनी मांद के पास, वो सियार है, बेकूफ बना रहा है आपको, वो धोखेदार एकदम, क्या है उसमें, आपके सामने वो कुछ भी नहीं, एक बार में तीनों एकदम पिस जाएंगे चारों। कहें नहीं नहीं तुम धोखा दे रहे हो। कहें अच्छा एक काम करो, चलो मैं आगे आगे चलता हूँ। कहें नहीं, कहें अच्छा एक काम करो, मेरी पूँछ में अपनी पूँछ को जोड़ दो तो मैं आगे आगे चलता हूँ, अब खतरा होगा तो दोनों जन के होगा। इतना सब समझाया बंदर और विश्वास में आ गया शेर, चल पड़ा आगे। तब सियारिन देख रही थी, सुन रही थी कि शेर, हम कहें जल्दी उपाय कुछ करते, उन्हें शेर आएगा जरूर सारा समाचार लेकर के, आपकी बात छोड़ेगा नहीं। कहें अरे तू चुपचाप रह, मैं दांव लगाता हूँ। तो कहाँ फिर चिकोटी काट जल्दी से, तो जोर से काटी, बच्चे चिल्लाए, कहाँ क्यों जय विजय क्यों रो रहे हैं। कहें अरे भूखे हैं, कहीं घबराती क्यों है, एक बार दांव लगाया नहीं लगा, वो चला गया, अब की दार मैं बंदर को समझा के भेजा हूँ कि उसको पूँछ में बांध कर ला। तो बंदर भैया हमारी मदद में गया है, आओ बांध के लाएगा, अभी हम मजे से खाएंगे सब लोग। तो जैसे इन बातों को सुना शेर, ओ ये धोखेबाज बंदर मुझे पूँछ में बांध के ला के मरवा डालना चाहता है, ऐसी की तैसी कर डालूंगा इसकी। अब भगा बंदर, बंधा था, अब समझ लीजिए भगा, तो बंदर कहता रुको रुको मेरी पूँछ खोल, अरे भाई भाग जल्दी मार डालेंगे, भानु प्रताप का बाण ना चल जाए। तो समझ लीजिए इतना दौड़ाया कि उसकी चमड़ी बंदर की उछल गई, बहुत गिड़गिड़ाया लेकिन छोड़ा नहीं, जाकर उसकी पूँछ खोला, बहुत मर करके बचा। तो जो सहयोग भी करता है ना, तो ये भ्रमिक लोग उसी को घसीट डालते हैं। कोई ज्ञान की बात बताओ, बताने कि भैया ये सब सियार का काम है, ये जितना सब पखंड है धर्म के नाम पर, तमाम देवी देवता भूत परे जादू मंत्र टोना टुटका गंगा गढ़ही चारों धाम और कौन कौन कथा भागवत, ये सब सियारपन है, इसी में भटक करके लोग भटकते रहते हैं और इसी तरह की कथा सुना करके इन महान पुरुषों को, मनुष्य जो चेतन आत्मा बैठा है ये शेर है, लेकिन ये सब भ्रमित हो गए। नहीं नहीं कौनो शक्ति, कौनो भगवान, कौनो परमात्मा है और वो दुख देता है, वही जब तारेगा तब इन तरेंगे, वही दुख काटेगा। इतना भ्रम हो गया है कि भाग रहा है पीछे की ओर, तो बीच में कौनो होशियार दूर से देखत संत महात्मा विवेक से देखते हैं कि ये सब धोखेबाजी है, तो अरे रुको रुको भाई ये सब गलत बात है, अच्छा घबराओ ना हम तुम्हारे आगे हैं। तो अरे कहते नहीं नहीं मरवा डालोगे क्या भगवान से, भगवान है ये नहीं, आप बड़े आए हैं। संत कितना भी हिम्मत देते हैं लेकिन संत को रगड़ना चाहते हैं, उनकी निंदा करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं, कहते हैं देख लीजिए ये बड़े संत आए हैं तो पीड़ा देते हैं, उनको ढोंगी पखंडी कहते हैं, ढोंगी पखंडी होते भी हैं दुनिया में, लेकिन सच्चे संतों की यहाँ बात है कि ऐसे संत गुरुजन जिनके जीवन को बदल करके इंसान बना देते हैं, देवता बना देते हैं, ऐसे गुरुजनों को भी लोग घसीटने के चक्कर में पड़े हैं तो कैसे भला कल्याण होगा। इसलिए बंधुओं हमको जागना है, संतों से हमें वही मिलता है जिससे जीवन में सब सुख मिल जाता है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस,
मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। तो संत मांगते हैं खोटाई खोट बुराई, अपने जीवन की सारी बुराई को दे दो और बदले में सद्गुण का साम्राज्य जीवन में प्राप्त करोगे, सुख प्राप्त करोगे, मुक्ति गति और सतलोक प्राप्त करोगे। तो ऐसी उपलब्धि पाने के लिए आप सब बुराई भी नहीं दे सकते हैं क्या? निश्चित है ये महान दान है। इसीलिए संतों को कहा गया कि उपकारी में उपकार गुरु, दानिन में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, तहि सम अन्न न आन। उपकारियों में उपकारी हैं, दानियों में दान हैं, रक्षक करने वाले में रक्षक हैं संत गुरु, इनसे बढ़कर के और कोई नहीं संसार में। इसलिए बंधुओं, आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग इसमें खूब मन लगावें और आगे बढ़ते रहें। कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। खूब तन मन धन से, साधना से, अपने घर गृहस्थी में जा कर के इन बातों को खूब दोहराओ, भजन करो। और दुख तकलीफ जो शरीर में है, अभी बताया ही गया है कि ये शरीर क्या है, दुखों का घर है, कचड़ा है, आत्मा ही अमृत है। उस अमृत को जानो और उसका रसास्वादन करो। एक दिन तो शरीर छूट ही जाएगा, इसके चक्कर में पड़ करके पाप नहीं कमाना है। तो यही मेरा निवेदन है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आए, संतों की बातें सुने और उसका रसास्वादन किए, अमल किए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी ऐसे सत्संग में आते रहें और जीवन को भजन सत्संग से लाभ उठावें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। तो आइए भजन थोड़ी सी सुनेंगे। एह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। एह चुनरी है अनमोल, दिन दिन यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ताली बजा के सब लोग आओ। यह चुनरी हमें प्यारी लगत है, यह चुनरी हमें प्यारी लगत है, यह चुनरी हमें प्यारी लगत है, यह चुनरी हमें प्यारी लगत है। दिन दिन करत किलोल, दिन दिन भजन करो। दिन दिन करत किलोल, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी जब जन्म हुआ था, यह चुनरी का जन्म हुआ था, बधाई ढोल, दिन दिन भजन करो। हाँ, भजत बधाई ढोल, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ओ जब चुनरी पे आई जवानी, जब चुनरी पे आई जवानी, जब चुनरी पे आई जवानी, जब चुनरे पे आई जवानी, अकड़ के चलते लोग, दिन दिन भजन करो। हाँ, अकड़ के चलते लोग, दिन दिन भजन करो। यह चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ओ जब चुनरी पे आए बुढ़ापा, जब चुनरी आए बुढ़ापा हो, आए बुढ़ापा, जब चुनरी पे आए बुढ़ापा, मुख से निकले न बोल, दिन दिन भजन करो। हाँ, मुख से निकले न बोल,
ओ चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर भजन करो दिल खोल दिन दिन भजन करो। हाँ भजन यह चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। यह चुनरी हाँ भजन करो भाई भजन करो भजन करो भाई ओ भजन करो भाई भजन करो चलो भजन करो। हाँ भजन करो चलो भजन। बोलिए सद्गुरुदेव की।